नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। हमारे साथ तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी, आप अपने पिताजी से लालू जी से मिल के आए, कैसा स्वास्थ्य है उनका अभी? देखिए, चिंता की बात है। डॉक्टर ने भी जो है उनके हेल्थ को लेकर के जो है बुलेटिन जारी किया है। किडनी को लेकर के जो हम लोगों की पहले से जो चिंता थी कि ये बढ़े ना, वही हुआ है और लगभग जो है 37% ही जो किडनी है वो काम कर रहा है। तो हम लोग सब लोग चिंतित हैं इसको लेकर। एक आखिरी सवाल है कि बिहार में ये पान मसाला बैन कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी हुई, प्लास्टिक बैन हुआ, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्या ये कारगर साबित होगा पान मसाला बैन? ठीक है, बैन हुआ है, लेकिन बिहार की जनता भ्रष्टाचार पर बैन चाहती है, अपराध पर बैन चाहती है, चमकी बुखार पर बैन चाहती है। जिस हिसाब से पूरी तरीके से सरकार जो है, कभी शराबबंदी की क्या हो रही स्थिति, होम डिलीवरी हो रहा है, बैंड है, ठीक है, लेकिन इस पर जो भी लोग जो दुकानदार हैं या छोटे मोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां रहा है, जो बेचने का काम करते हैं, उसको सरकार जो है कम से कम तकलीफ ना दे। ठीक है, ये थे तेजस्वी यादव जो बता रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से पान मसाला बैन हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं जो पान मसाला से जुड़े हुए हैं उनकी तकलीफों भी कम ना हो, इसके भी सरकार ध्यान दे। साथ ही लालू प्रसाद यादव की सेहत पर इन्होंने बताया कि सेहत बेहद ख़राब है, किडनी 37% ठीक काम कर रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।